बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के खाते में 104 करोड़ आने और अपने भाई के खाते में 1,43,00,000 रुपए आने के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का पैसा है, एक एक रुपया नियमों के हिसाब से जमा कराया गया है। पैसा देश की जनता का है, पैसा देश भर में पार्टी के सदस्यता अभियान से इकट्ठा किया गया है। यहाँ मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह सब बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमसे डरी हुई है। मैंने सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बीजेपी पर जो आरोप लगाए उससे बीजेपी घबरा गई और हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मायावती ने कहा कि यह सब जातिवादी सोच का असर है, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने भी पैसा जमा कराया है, ऐसे में उनके खातों की चर्चा क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दलित की बेटी मंजूर नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही ईमानदार हैं तो बीजेपी को मिले चंदे का हिसाब दिखाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। यहाँ मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर लगे आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उन्होंने नियमों के तहत काम किया है। तो पार्टी और भाई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मायावती काफी नाराज नजर आई और उन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी होने और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ मायावती ने बीजेपी को चंदे का हिसाब देने की भी चुनौती दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।